नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं ओएसपीएफ ट्रेवल शूटिंग के बारे में, यानी कि ओएसपीएफ का अगर आपने राउट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वहां पे जो है आपको ट्रेवल शूटिंग करनी है ओएसपीएफ के अंदर, तो किस तरह से करनी है, क्या क्या चीजें चेक करनी है, आपके स्टेप्स कैसे होने चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और प्रैक्टिकली उस चीज को जो है हम ट्रेवल शूट करने वाले हैं। बेसिकली एक लैब डिजाइन करी है मैंने, जिसमें जो है मैं आप लोगों के लिए जो रियल नेटवर्क्स में अक्सर कई बार जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर कोई चीजें हम कॉन्फिगर करते हैं उसके बाद हम भूल जाते हैं, तो अगर किसी चीज को दोबारा से रिकॉन्फिगर करते हैं तो वापस जो है आपका वो कनेक्शन जो है नहीं हो पाता है, तो फिर आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं प्रैक्टिकल, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वहां पे आपके जवाब सवालों के जवाब जो है इमीडिएटली आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। तो अभी इसको प्रैक्टिकल करने के लिए जो है मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है हम ओएसपीएफ ट्रबल शूटिंग करते हैं। सो आगे हम दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहां पे जो है ट्रबल शूटिंग के अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहले तो हमें नॉलेज होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए जो हमारा नेटवर्क है उसके बारे में। दूसरा यहां पे जो है हमने ओएसपीएफ जो है जो भी ओएसपीएफ हमने कॉन्फिगर करके रखा है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम जो है ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है पहले से, अगर आपने कोई भी ओएसपीएफ प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है करा है तो वहां पर आप उसको रेफर कर सकते हो, ताकि आपको सारी चीजें जो है मालूम हो कि आपने क्या क्या चीजें कॉन्फिगर करी है। अगर नहीं है तो फिर आपको स्टार्ट कैसे करना है? तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए यहां पे ट्रबल शूट के दौरान कि आपके जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स जो हैं उनको आपको चेक करना है। अगर आपका पोर्ट्स चेक हैं तो सेकंड स्टेप जो है वो आपको जो इसका ओएसपीएफ का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको चेक करना है। उसके बाद तीसरा, अगर आपको ये चीजें सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब ओके मिलते हैं तो उसके बाद जो है आपको यहां पे चेक करना है उसके एडवांस चीजों को। एडवांस चीजें कहने का मतलब है, यानी कि इंटरफेस के ऊपर जो है हमारी एलोकेशंस होती हैं, जैसे कि हेलो पैकेट्स वगैरह हो गए, उसका एमटीयू हो गया, तो ये जो है जैसे कि हम यहाँ पे मैं लिख देता हूं हेलो पैकेट्स हो गए है ना, हेलो यहाँ पे हम कर देते हैं पैकेट्स, और उसके बाद जो है जैसे कि हम एमटीयू हो गया, तो ये जो है हमें चीजें चेक करनी कि ये जो इंटरफेस के ऊपर की जो इंटरफेस लेवल पे जो चीजें हैं क्या हमने वो तो नहीं डिस्टर्ब करी है, उसकी वजह से भी यहाँ पे आपके वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए, ये एक लैब बनाई है मैंने और इसी के बेस के ऊपर में जो है हम यहाँ पे इनिशिएट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अगर नॉलेज की बात करें तो यस, मुझे पूरा कंप्लीट नॉलेज है कि ये नेटवर्क जो है किस तरह से डिजाइन करा गया है, उसमें कहां कौन सा राउटर किस तरह से लेके जा रहा है, ये मुझे पूरा नॉलेज है। दूसरा जो है यहाँ पे ओएसपीएफ का नॉलेज, तो मुझे मालूम है कि मैंने कहां कहां पर क्या क्या चीजें किस तरह से कॉन्फिगर किया है, तो मुझे इस ओएसपीएफ के कॉन्फिगरेशन के पूरा रेफरेंस जो है वो मुझे मालूम है। अब हमें यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो लूप बैक है ये हमारा लोकल एरिया मान के चल रहे हैं हम इसको, कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। दूसरा जो है ये एरिया टू है, तो जो कि ये भी एक लूप बैक हमने क्रिएट करा है राउटर थ्री पे, तो जो जिसको हम मान के चल रहे हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है। तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क एरिया टू में है वो लोकल एरिया नेटवर्क एरिया वन के अंदर जो है उसके साथ में कम्युनिकेट करना चाहिए। तो अब इसको जो है हम यहाँ पे राउटर वन, राउटर टू और राउटर थ्री तीनों को ट्रबल शूट करेंगे कि कहां पर क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम है। तो चलिए राउटर नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस है 13.1 जो यहाँ पे लूपबैक के लिए असाइन है उसको हम चेक करते हैं कि वहां तक पिंग हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे राउटर में लॉग इन करा तो एक चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि यहाँ पे कुछ एरर मैसेज जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे एरर मैसेज क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे एरर रिसीव,
यहाँ पे रिसीव्ड इनवैलिड पैकेट मिसमैच एरिया आईडी, यहां पे देखो हमें पहला जो चीज मिल गई कि यहां पे जो है एरिया की मिसमैच आईडी जो है उसकी एरिया की वो मिसमैच हो रखी है। फ्रॉम द बैकबोन एरिया मस्ट, यहां पे जो हमारा वर्चुअल लिंक जो है नॉट फाउंड ऑन ये 11.2 से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो 11.2 जो है वो हमारे इस राउटर नंबर 2 के इस पोर्ट के ऊपर कॉन्फिगर्ड है, मतलब यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां हमने गलती करी है। तो यहां पे हमारा कौन सा एरिया कॉन्फिगर होना चाहिए था, एरिया 0 कॉन्फिगर होना चाहिए था। तो इसी तरह से मैं यहां पे राउटर नंबर 2 को भी यहां पे ले लेता हूं। अब यहां पे देखो राउटर नंबर 2 पे हम गए तो राउटर नंबर 2 पे हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है, वहीं पे राउटर 1 पे कंटिन्यू हमें एरर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है जो गलती हुई है तो वो कहां पर हुई है, राउटर नंबर 1 पे हुई है, ना कि 2 के ऊपर, क्योंकि 2 पे भी अगर होती तो यहां पर भी आपको जो है कंटिन्यू जो एरर मैसेज है वो देखने को मिलते, क्योंकि यहां पे भी आप देखते हैं इसका नेबरशिप डाउन हुई है 10.1 के साथ में, जो कि हमारा ये वाला लूप बैक एरिया था। अब इसमें हमें पता चल गया है, तो चलते हैं राउटर नंबर, अब यहां पे भी राउटर नंबर 2 पे भी, अब इसको चेक कैसे करना है कि कौन सा, तो यहां पे शो आईपी प्रोटोकॉल करोगे तो ये रहा आपका OSPF1 कॉन्फिगर्ड है। यहां पे कौन कौन से राउट नेटवर्क आपने कहां कहां पर डिफाइंड किए हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पे 11.0 यानी कि ये वाला नेटवर्क ये एरिया 0 के अंदर डिफाइन है, और एरिया यहां पे जो 12 है जो कि इस तरफ है वो भी एरिया 0 में, और वो भी यहां पे एरिया 0 में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो राउटर नंबर 2 के ऊपर हमारी जो है डिटेल सही है, तो पहले राउटर नंबर 1 पे जाके चेक करते हैं। तो यहां पे शो आईपी प्रोटोकॉल करते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल करोगे तो आप देख सकते हैं यहां पे 11.0 वाला जो है वो एरिया 1 के अंदर कॉन्फिगर्ड है। गलती से इस तरह के कई बार कॉन्फिगरेशंस हो जाते हैं, तो ये हमने जो है यहां पे आइडेंटिफाई करा। तो अब इसको चेंज करना है तो चलती है ग्लोबल कॉन्फिगरेशन पे, राउटर OSPF1, इसके अंदर जाके हमने नेटवर्क चेंज करना विच इज 192.168.11.0 0.0.0.255 और ये एरिया जो है 0 से बिलोंग करता है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे जो है आपका यहां पे नेबरशिप जो है फुल में आ गई, अब ये जो मतलब हमारा जो है एरिया अपडेट हो चुका है। शो आईपी ओएसपीएफ, अब हम नेबरशिप चेक करेंगे कि इसके साथ में नेबरशिप बन चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे नेबरशिप जो है 12.1 यानी कि इसके साथ में राउटर नंबर 2 के साथ में जो है इसकी नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, और की जो स्टेट है वो फुल है, मतलब अब जो है ये हमारा क्लियर है। तो अब हम राउटर 2 पे चलते हैं और इस वाले इंटरफेस को जो है पिंग करके देखते हैं, या फिर राउटर नंबर 1 से हम यहां पे लूप बैक 2 जो एरिया 2 में है उसको जो है हम यहां पे पिंग करके देखते हैं। तो हम यहां पे पिंग कमांड चलाते हैं 192.168.13.1, इसको पिंग करते हैं तो हमारा इनिशिएट हो चुकी है पिंग, लेकिन यहां पे डॉट 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 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा अभी तक कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। अब इसके पीछे आप देख सकते हैं यहां पे परसेंटेज जो है वो आपका पूरा 0% आया, मतलब सारे के सारे जितने 4 पैकेट थे वो सारे के सारे हमारे क्या हो गए हैं, ड्रॉप हो चुके हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारा जो लिंक है वो कहां तक क्लियर है, तो हम यहां पे कमांड चलाते हैं ट्रेस रूट और यहां पे लिखते हैं 192.168.13.1 करके एंटर करते हैं। तो अभी यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है हमारा ट्रेस रूट कर रहे हैं, लेकिन पहले से ही हमें जो है एरर मैसेज मतलब कोई रेस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल रहा है, बिल्कुल स्टार 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 जो है वो बन के आता जा रहा है, मतलब अभी जो है हमारा ये जो नेटवर्क है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है हमें इसको लूप को ब्रेक कर देते हैं, और जिसको ब्रेक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 6 के साथ में ये लूप ब्रेक करा जाता है। अब हम यहां पे पिंग करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट राउटर विच इज 192.168.11.2 को जो है पिंग करके देखते हैं, तो आप देखते हैं यहां पे 100% आ चुका है, मतलब यहां से यहां राउटर 1 तक ही जा रहा है, इसके आगे हमें नहीं बढ़ पा रहे। तो अभी हमें आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे उसको जरा चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं राउटर नंबर 2 पे, तो राउटर नंबर 2 पे चलते हैं और यहां पे जाके चेक करते हैं कि क्या इश्यूज हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे जो पहले तो हो चुकी थी नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट, अब यहां पे शो आईपी प्रोटोकॉल चेक करते हैं, तो यहां पे जो है ये एरिया 0 के अंदर डिफाइन होना चाहता है, बिल्कुल सही है, एरिया 1 के अंदर डिफाइन होना चाहता है, बिल्कुल सही है। और अब जो है सबसे पहले हम यहां पे इसके जो आईपी एड्रेसेस हैं
उनको भी एक बार फिजिकल इंटरफेसेस को भी चेक कर लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके। अब आप देखते हैं यहाँ पे 11.2 आईपी एड्रेस बिल्कुल सही है, यहाँ पे 12.1 है, बिल्कुल आईपी एड्रेस बिल्कुल सही डला हुआ है। और अब हमने यहाँ पे जो है चेक करना है कि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल बराबर है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पिंग करके देखना है कि यहाँ पे 12.2 जो है दूसरे अपोजिट साइड पे वो अगर यहाँ पे पिंग हो रहा है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 80% जो है हमें रिप्लाई मिल रहा है, राइट 100% रिप्लाई आ गया। मतलब ये राउटर 2 से राउटर 3 को हम पिंग कर पा रहे हैं तो हमें रिप्लाई मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पे शो आईपी ओएसपीएफ नेबरशिप चेक करते हैं तो यहाँ पे 10.1 के साथ ही दिख रही है, 13 साइड पे कोई भी नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो चलिए एक बार राउटर नंबर 3 पे भी चलते हैं और यहाँ पे भी जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी सॉरी एंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि हमने चेक कर लिया कि यहाँ तक पिंग आ रहा है तो मतलब ये फिजिकली तो पोर्ट जो है वो क्लियर है। अब यहाँ पे शो आईपी हमें करना है प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे कोई इनका जो पोर्ट यहाँ पे 13.2 जो है 13.0 जो है वो आपका एरिया 2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो है एक यहाँ पे गलत डला हुआ है विच इज 192.168.0.0 और फिर यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे जो है कुछ गलत डला है। मतलब ये जो 12 वाला जो है वो हमने यहाँ पे क्या नहीं करा है, ब्रॉडकास्ट नहीं करा, ब्रॉडकास्टिंग की जगह पे यहाँ पे कुछ गलती हुई है हमसे, राइट। तो पहले हम इसको रेक्टिफाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल गया है कि ये जो है आपका एरिया 0 में होना चाहिए, 0 डिफाइंड है बट यहाँ पे ये चीज जो है वो गलत कॉन्फिगर की गई है। तो यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फिगरेशन पे, तो राउटर ओएसपीएफ 1 और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे नो नेटवर्क करना है विच इज 192.168.0.0 और उसके बाद जो है 0.0.255.255 और उसके बाद जो है यहाँ पे एरिया 0 करके इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे सही जो है डिटेल है वो यहाँ पे कॉन्फिगर करते हैं विच इज 12 डॉट यहाँ पे आपका आएगा 0.0.0.255 और एरिया जो है इसका 0 होना चाहिए। तो ये हमने बिल्कुल सही कर दिया है। तो यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल करते हैं तो अब आप देखते हैं यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे 12 और 13, पहले 12 जो है एडवर्टाइज नहीं हो रहा था इसलिए हो सकता है, ये जो है आपका 13 जो एरिया 2 में है वो बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे जो है शो आईपी ओएसपीएफ नेबरशिप जो है चेक कर लेते हैं कि नेबरशिप एस्टेब्लिश हुई है, तो आप देख सकते हैं कोई भी नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई है, यहाँ पे राउटर नंबर 3 के ऊपर कोई भी नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिखाई दे रही है। वहीं पे अब राउटर नंबर 2 के ऊपर हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अभी भी नेबरशिप जो है 10.1 यानी कि इस तरफ तो है लेकिन इस तरफ नहीं बन पाई है। तो अब ऐसे में जो है हमें इसका इंटरफेस भी हमने चेक कर लिया, बराबर आईपी वगैरह दिए हुए हैं लेकिन अब जो है हमने यहाँ पे एमटीयू चेक करना है कि इसका एमटीयू का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो है 1500 बाइट्स का जो है एमटीयू होता है। तो हम यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस F0/1 जो है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें एमटीयू जो है वो आप देख सकते हैं एमटीयू इज 1500 बाइट्स, मतलब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं पे राउटर नंबर 2 पे भी हम 3 पे भी हमने चेक कर लेना शो आईपी इंटरफेस और यहाँ पे इंटरफेस है आपका F0/1 तो यहां पर भी एमटीयू 1500 है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब जो है सेकंड चीज हमने चेक करनी कि इनके इंटरवल का टाइम जो है यानी कि जो हेलो पैकेट्स है जिसके जरिए इनकी रिलेशनशिप बनती है क्या उसमें डिफरेंस तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम चेक कर लेते हैं शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस F0/1 करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे ये रहा इंटरवल टाइम इंटरवल कॉन्फिगर, यहाँ पे हेलो टाइम जो है वो 10 है और यहाँ पे 40 है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से हम यहाँ पे चलते हैं राउटर नंबर 2 के ऊपर और यहाँ पे जाके भी हम चेक कर लेते हैं। एमटीयू हमने चेक कर लिया, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस F0/1 करते हैं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे जो है हेलो टाइमर एक जगह पे यहाँ पे 5 है तो डेड इंटरवल टाइम जो है वो यहाँ पे 20 है, वेट 20 है। तो मतलब ये हेलो इंटरवल टाइम जो है ये भी हमारी नेबरशिप को जो है एस्टैब्लिश नहीं होने देता है। तो आप देखते हैं इसको भी हमने जो है सही करना है। अब इसको सही करना कैसे है क्योंकि ये एक इंटरफेस लेवल का काम है तो हमें इंटरफेस के अंदर जाकर ही इसको
करना पड़ेगा। तो यहां पे चलते हैं और यहां पे लिखना है इंटरफेस F0/1, क्योंकि यही इंटरफेस है जिसके अंदर प्रॉब्लम है। अब यहां पे हमने लिखना है IPOSPF हेलो इंटरवल, और यहां पे जाके टाइम जो है हम वापस से 10 कर देते हैं, या फिर हम जो है इसको वापस जो है अगर हटाना है डिफॉल्ट वाला लेके जाना है तो हमें जो है इसके आगे नो लगाना पड़ेगा। तो ये नो लगा देंगे तो भी ये बिल्कुल बाय डिफॉल्ट पे चला जाएगा, और अगर चेंज करना चाहते हो तो भी आप इसको चेंज करके जो है सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जैसे हमने हेलो इंटरवल टाइम जो है डिफॉल्ट पे डाला तो आप देखते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ गया 13.1 के साथ जो है नेबरशिप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे वापस से शो हमने एक बार चेक कर लेते हैं, शो IPOSPF जो है इंटरफेस F0/1 करके दिखाता हूं। अब देखते हैं यहाँ पे वापस से जो है आपका हेलो टाइमर जो है वो सेट हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आपकी कंपनी में ऐसा रूल है कि आपने जो है फास्ट यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन रखा है तो आप यहाँ पे 5 करे हो तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि आपको OSPF के कॉन्फिग्रेशन जो आपने करा है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपका 10 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे एडिट करके उसको 5 करा गया है या इंक्रीज करा गया है या डिक्रीज करा गया है तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके नेटवर्क के अंदर जो है वो आपने हेलो टाइमर्स वगैरह एडिट अगर करे हैं तो वो आपने क्या सेट करे हैं। अगर आपका 5 यहाँ पे है, आपने मैनुअली सेट करा है, तो आपको दूसरे एंड पे भी मैनुअली उसको फिर 5 सेकेंड में ही करना पड़ेगा। इस तरह से जो है आपकी नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट होगी। इसीलिए आपको आपकी कंपनी के अंदर इंस्टॉल किए कॉन्फिगर किए हुए OSPF का नॉलेज भी होना पूरा कंप्लीट जरूरी है। सो दोस्तों आई एम श्योर कि जो है आपको इस तरह के जो OSPF के जो एरर जो ट्रबल शूटिंग है वो आपको समझ में आई होगी। अभी जो फाइनली हम यहां पे चेक कर लेते हैं, मैंने आपको दिखाया नहीं, शो आईपी OSPF नेबर चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हो दोनों तरफ से 13.1 और 10.1 की तरफ से जो है नेबरशिप एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है। अब जो है राउटर नंबर 3 पे चलते हैं और यहां से हम पिंग करते हैं 192.168.10.1 और ये हमें 100% रिप्लाई मिल गया। हमारा ये पूरा OSPF का ट्रबल शूटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों आई एम श्योर कि आपको जो है OSPF के अंदर ट्रबल शूटिंग जो है वो किस तरह से करनी है वो समझ में आई होगी। अगर आपका अभी भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप जानना चाहते हैं, कोई डाउट है तो या तो आप कमेंट में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे जो है पूछ सकते हैं, वहीं पे आपके सवालों के जो है जवाब मिल जाएंगे। आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।